कोलकाता में आम्फनम तूफान के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र तट की ओर बढ़ते जा रही खतरनाक चक्रवाती तूफान अम्फन से बचाव के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा राहत बल की 7 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि रविवार को मौसम विभाग से चक्रवाती तूफान के बारे में अलर्ट मिलने के बाद 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया था, लेकिन जब चक्रवात के घातक प्रभाव की आशंका व्यक्त की गई तब सतर्कता बरतते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से और अधिक संख्या में एनडीआरएफ की तैनाती करने की मांग की थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की तैनाती की गई। इन्हें पूर्व मोदी ने पूर्व के दीघा और दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप में तैनात किया गया है। दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। रविवार शाम से ही एनडीआरएफ की टीम ने कच्चे मकानों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं दीघा के समुद्र तट के पास में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। कोलकाता से जय चौधरी की रिपोर्ट। पहले तो हमें ये देना है कि अभी जो आने वाला है, अभी 19-20 तारीख को यहाँ पर एक सुपर साइक्लोन आने वाला है जो अम्फन है नाम से, जिसे थाईलैंड के द्वारा इस बार नाम दिया गया है, और इसकी तीव्रता जो है पिछले जो बुलबुल साइक्लोन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसकी तीव्रता लगभग 160 से 180 किलोमीटर के बीच होगी और ये बढ़ भी सकती है। और अभी जैसे कि इसकी पोजीशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में आपको साउथ ईस्टर्न एरिया में जो लगभग दीघा से 980 किलोमीटर दूरी पर है अभी, जो अभी तक का अपडेट है, और काफ़ी तेज़ी से इधर बढ़ने का अंदेशा है। तो उसमें हमारा एक तो और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है हमारा कोविड-19, जो आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक चला हुआ है पूरे वर्ल्ड स्तर पर, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ की पब्लिक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ में जो सरकार की तैयारियाँ हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारा मुख्य मकसद यही है कि प्रशासन के साथ मिल करके एक लोगों के बीच जागरूकता की भावना फैलाना और लोगों को अवेयर करना कि साइक्लोन के साथ साथ वो कोविड का भी ध्यान में रखते हुए, उसकी ये बीमारी को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए, अपने हाइजीन सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए इस साइक्लोन के प्रकोप से बचें। तो स्कूल जी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये साइक्लोन सेंटर के साथ साथ स्कूल बिल्डिंग्स का भी व्यवस्था किया गया है, और इसमें विशेष व्यवस्था ये की जा रही है कि इनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इन्हें पर्याप्त मात्रा में जगह दिया जाए, ताकि अच्छे से किसी तरह का संक्रमण से बचते हुए इनकी रखवाली और ये देखभाल की जा सके। कुमार गौर, असिस्टेंट कमांडेंट, 2nd बटालियन एनडीआरएफ, कोलकाता से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।